तो हेलो दोस्तों, एफ आर के इज हेयर। तो कैसे हैं? हाँ भाई, हम आ चुके हैं एक बार फिर से एक न्यू गेम प्ले को लेकर शकीरो के। हाँ भाई, हम पिछले गेम में एक दो चीज़ें करके इस गेम प्ले में भी कुछ नए बॉसेस को मिलेंगे और हाँ, थोड़ी सी दादी जी की बातों को सुनकर ऐसा लगा कि भाई यहाँ से कुछ क्रेजी होने वाला है। और हाँ भाई, थोड़ा पूरा याद भी था इस गेम प्ले का कि यहाँ से कूदना है नीचे, तो मैं सीधा यहाँ से ओरे परे देख के थोड़ी पूरी यादें ताज़ा करके नीचे कूद गया, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलेगा कुछ क्रेज़ी। यहाँ पे मैं नीचे जाके मर भी सकता हूँ, पर अगर मेरी टाइमिंग अच्छी रही तो मैं पहुँच जाऊँगा किसी और वैली में, और यहाँ पे हमें न्यू बॉसेस मिलेंगे। तो बढ़ते आगे, दिखाते हैं आपको कुछ नया इस गेम प्ले में, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा वो थोड़ा अलग जोन था और ये थोड़ा अलग जोन है, क्योंकि हम आ चुके हैं अंधेरी दुनिया में। एक यहाँ पे हमें कुछ अंधेरी दुनिया में तो इससे पहले भी आए थे, पर उससे भी नीचे, मतलब कि अंडरग्राउंड से भी अंडरग्राउंड जो जगह है ना, वो जगह पे हम आए हुए, और वो भी मतलब कि क्रेजी ही है। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि भाई कितना याद रहती है भाई, 4 साल पुरानी गेम है, आई नो। तो 4 क्यों, ज़्यादा साल पुरानी गेम है यार ये 2019 में आई थी कि 18 में आई थी, लगभग 5-6 साल पुरानी गेम है। तो इतनी पुरानी गेम के इतना तो अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ जाना है, पर भाई क्रेज़ी जगहें हैं इसमें। अशीना डेप्थ में हम पहुँच चुके थे, और ये मतलब कि अंडरग्राउंड में भी, मतलब कि नीचे से नीचे जो डेप्थ है ना, वहाँ पर एक गाँव बसा हुआ है, एरिया है, वहाँ पर हम गए, और आते आते हमें बॉस मिल गई, और बॉस खजल कर रही थी भाई। इस को हमने किसी जुगाड़ से मारा था, कैसे मारा था। हाँ भाई, याद आ गया, पिछली बारी हमें मिली थी तो हमने अम्ब्रेला यूज़ की थी अपनी, वहाँ पे इसको तरीके से मारा था, पर यहाँ पे अम्ब्रेला वाली चीज़ को यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। जब मैं आगे आगे बढ़ा ना, मुझे एंड मोमेंट में इन्होंने मार दिया, और जब मैं थोड़ी देर बाद वापस उस जगह पे गया तो मुझे लगा पता कि भाई मैं बिल्कुल नज़दीक था यार सेव पॉइंट के। बड़ा दुख होता है ऐसी मोमेंट में जब आप इतनी मेहनत करो और थोड़ा सा रह गया था मुझे बस। तो मैंने भी कंटिन्यू किया भाई, ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ रही है, और मुझे इससे भी बचना है और उसको मारना भी है। तो मैंने भी नए नए तरीके अपनाए भाई। ये अम्ब्रेला वाला तरीका आपको लग रहा होगा कि भाई ये काम कर रहा है, पर ये काम नहीं कर रहा था यहाँ पे अच्छे से, तो मुझे जुगाड़ ढूंढने पड़े यहाँ पे कोई नए कुछ क्रेजी थे। आपको अगर साउंड एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ पे नज़दीकी एक शादी लगी है, तो वो भी बात थी, पर हाँ मज़ा आ रहा है भाई। तो भाई यहाँ पे मुझे इतना तो लग गया था पता कि भाई इसको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं मार पाऊँगा मैं, पर भाई हर बॉस, ये मिनी बॉस है यार, और मिनी बॉस भी इसमें बहुत तंग करते हैं। मेन बॉस को तो कभी कभी लगता है मेन बॉस इजी है, और ये मिनी बॉसेस ज़्यादा तंग करेंगे, पर बात वही है कि भाई कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। और भाई इसकी पिस्तल जीने नहीं देती यार, ये गोली वाले जो है ना, ये कारतूस वाले बंदे, ये ज़्यादा खतरनाक है मुकाबले उन बंदों के जो नज़दीकी अटैक्स करते हैं, क्योंकि भाई ये कहीं दूर से भी मार सकते हैं। और जब मैं यहाँ पे खड़ा तो मुझे पता चला कि भाई ये जो बंदी है ना, ये डैमेज हो रही है, और ये डैमेज हो रही है यहाँ पे जो पॉइजन है, जो हमारे को पॉइजन दे रहा था, उससे ये खुद भी डैमेज हो रही है। तो मैंने वेट किया, और जब ये बिल्कुल कम होगी तो मैं नीचे मारने आया, पर हल्की सी गलती की वजह से मैं मर गया, और भाई बहुत दुख होता है इस टाइम। और मैंने फिर से वो ही चीज़ करने की ट्राई की, और नेक्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई की मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, ये जो स्पीड में आप देख रहे हैं ये हमने 3-4 गुना किया हुआ है, ये इतनी स्पीड में नहीं चला था काम, ये लगा मैं ये लगभग मिनट 2-3 नहीं यार ज़्यादा बैठा था, शायद 5-6 मिनट तक बैठा मैं इसी तरीके से कंट्रोल दबा के।
और इस पॉइंट पे जब मैं नीचे आया ना, तो मैंने नॉर्मली बस एक काम किया, हल्का सा हिट किया और शी इज़ डेड नाउ। यही तो मज़ा है यार, यही तो मज़ा है। और बहुत इजीली ये भी मर गई, और कमाल की बात हुई यहाँ पे कि मैं आगे बढ़ गया। और बात हुई ऐसी कि ये तो मर गई, पर हमें आगे भी जाना, ये मरना थोड़ा ना है हमारा मेन फोकस, ये नहीं थी। 6 मिनट के अंदर हमने इसको मार दिया, असली में 1 घंटे की बात है, पर 6 मिनट के अंदर हमने इसको मार दिया। आगे जब मैं आगे गया तो मुझे पता चला कि भाई आगे और भी बढ़ा ही दिया ये। मेरे को ढंग से याद नहीं है, पर यहाँ पे फॉग है यार, यहाँ पे बंदे दिख नहीं रहे, और जो बंदे दिख भी रहे उनको अगर मैं मार रहा हूँ तो मुझे बस XP दे रहे हैं, कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं दे रहे, तो मुश्किल है यार। और ये अगर आपको 2-3 सेकंड आपने इनको नहीं देखा, सोचो आपसे 3-4 मीटर दूर चले गए, तो ये गायब होना स्टार्ट कर देते हैं, ये इजीली दिखते भी नहीं है। बहुत ख़तरनाक बंदे हैं यार ये, ऊपर से कॉइंस नहीं दे रहे और ऊपर से ये डैमेज कर रहे हैं आपको, और ऊपर से गायब हो रहे। ये देखो गायब हो गए। उसी तरीके से क्रेजी बात ये है कि हम इधर भी कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि भाई साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कमाल की बात ये होगी कि भाई जिस हेडलेस को हमने पीछे टाटा बाय किया था, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदा बुरा है, ये हमें यहाँ पे मिस्ट के अंदर भी मिल गया भाई, यहाँ पे फॉग है सारे में, और इधर भी मिल रहा है हमारे को। और मेरे को पता था कि भाई ये डेंजरस है, क्योंकि 1 शॉट कर देता है यार, ये 1 शॉट भाई, ये बंदा ख़राब है, ऊपर से गायब होता है ये बंदा। इसके लिए बहुत इम्प्रूव होना पड़ेगा अगर इसको मारना है तो। बाकी अभी मेन स्टोरी पे ही चलते हैं, मैं मेन स्टोरी में ही जा रहा हूँ, पर बीच बीच में कोई एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ उसको मारने, तो वो स्टोरी है भाई। ये बंदे कभी दिखते, ये बंदा इसके पीछे मार दिया मैंने, और इसको पता भी नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ बंदे मारे, कहीं पहुँचा, कहाँ गया, ढूंढ रहा हूँ चीज़ों को। मुझे एक जो आपको ये सुनाई दे रही है ना पीछे ध्वनि, ये बांसुरी जैसे कि, ये आ तो रही है कहीं से, पर पता नहीं चल रहा है मेरे को आ कहाँ से रही है। तो मैं उरे परे ढूंढ रहा हूँ भाई कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। उरे परे जब जा रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा है कि भाई कैसे, क्या, क्यों। तो मैं इस जगह पहुँचा, और यहाँ पर वो बंदा है जो हमें शायद से दूसरा या तीसरा बॉस था स्टार्टिंग का, जो हाशिरा स्टेट में मार को, पहला बॉस हमेशा यही मारा है। और भाई साहब इस बंदे ने उस टाइम रुलाया था, पर इस टाइम इसके साथ बंदर भी है, पिछली बारी इसके साथ थे आदमी, और इस बारी बंदर है, अगली बारी मुर्गे होंगे शायद। ये 2-3 बारी मिलेगा भाई, ये बंदा नहीं है हमको जो मिलेगा। तो मैंने सोचा कि भाई इस जगह पे अपने XP पॉइंट्स यूज़ करके फिर से जाएंगे इसको मारने। और जब मैं इसके पास गया तो भाई इसने सीधे पॉइजन डालने लगाया मेरे ऊपर। भाई ये भी स्यापा है इन बंदों के साथ ना। और मैंने सोचा था कि भाई मैं उस टाइम बिल्कुल नौड़ था एक तरीके से, कि भाई मैं इसको नहीं मार सकता क्योंकि मेरे पास हेल्थ बिल्कुल कम थी, और ये बंदा कितना ही स्ट्रांग, उस टाइम मेरे को बहुत स्ट्रांग लग रहा था, क्योंकि भाई नहीं मार पा रहा था। मेरे साथ में एक बंदा था उस टाइम, उसने हेल्प की, तब जाके मार पाया इसको। पर इस टाइम तो भाई इसको नहीं मार सकता मैं, उस टाइम नहीं मार सकता। इस टाइम सोचा मैं मार दूंगा इसको, पर लास्ट मोमेंट में पता चला भाई ये अभी भी स्ट्रांग है। तो मैंने सोचा भाई हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, और हमारे बूढ़े दादा एक और मिले थे जो उनकी बातें सुनकर हम ढूंढ रहे हैं भाई ये उस करप्टेड मॉन्क को। पर उससे पहले ये बिसल कौन बजा रहा है उसको ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ से जब मैं घूम के गया तो मुझे पता चला कि भाई ये रूट वहीं पे जा रहा है वापस जहाँ से हम आए थे, पर किसी और वे से। जब मैं इस रोड होके गया तो मुझे पता चला यहाँ पे हमें कुछ तो क्रेजी मिलेगा, क्योंकि हम उसी जगह के छत पे आ चुके थे। और उरे परे देख के पता चला कि भाई यहाँ से ही ये साउंड आ रहा है, क्योंकि पता चल रहा था तो इधर एक होल था, वहाँ से हम अंदर चले गए तो वहाँ पे बंदा था, वहाँ पे छोटे मोटे बंदे थे बैठे हुए। पर ध्यान से जब हमने देखा ये बंदे नहीं थे, ये बस ऐसी मूर्तियाँ हैं, और एक ही बंदा इसमें मेन है, और ये बॉस है यार। दो हेल्थ है इसकी, तो बॉस हो गए।
इसलिए मैंने पहले ही अपने अम्ब्रेला निकाल दी ताकि ये अटैक करे तो पता चल जाए कि भाई किस तरह से मारे गए। और मैंने भाई बहुत कम डैमेज कर रहा था मुझे मेरा ये, तो ये बंदा मुझे पोस्टर डैमेज नहीं कर पा रहा ढंग से, तो मैंने डायरेक्टली मारा इसको तो ये बहुत ही ज़्यादा इजीली मर गया भाई। ये ऐसे ही था, मजाक के लिए छोटा मोटा बॉस था, बस दो हेल्थ थी इसके पास पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं था तो बहुत ईजिली मर गया। पर इसकी जो बिसल बजा रहा था ये, उससे मिस्ट थी शायद सारे में, और जैसे ही इसको मारा तो वो सारे बॉसेस जो यहाँ पे थे वो सारे गायब हो गए, जो भी एक्स्ट्रा बॉसेस थे, जो बंदर वगैरह थे वो थे यहाँ पे, पर जो मेन मिस्ट वाले बॉसेस नहीं एनिमीज थे वो मर गए सारे। मर नहीं गए, वो गायब हो गए बेसिकली, वो थे नहीं यहाँ पे, बस मिस्ट में हमें वो खजल कर रही थी मिस्ट मार को। और मैं यहाँ से नीचे आ गया तो मुझे कुकरह ने देख लिया, कई कुकरह जो हमें देख रहे थे यहाँ पे, तो हमने उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। पर ये इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि भाई मैं जब से ये गेम खेल रहा हूँ ना, मेरे वर्स्ट एनिमीज़ ये कुकरह ही है, क्योंकि ये अचानक से जब आप इनको मारने लगो ये पीछे मर जाते हैं। लगते बिल्कुल ईजी है, वन शॉट किल होती है इनकी, पर ये तंग करते हैं आपको और कुछ नहीं। तो इनको मार के हम आगे बढ़े, और यहाँ पे थोड़े अलग टाइप के बंदे मिले मारको भाई। ये शायद माइन कर रहे हैं यहाँ पे, शायद ये सोना निकाल रहे हैं नदी से, शायद क्या कर रहे हैं पता नहीं, पर कुछ तो कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बंदा मिला मारको एक शेड जैसे के अंदर, तो उस बंदे से बात किया तो भाई बास्केट 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 भाई डर रहा है, बोला आसपास के लोग परेशान हो चुके हैं और अचानक से चेंज हो चुके हैं ये वो। सो बोलते बोलते इस बंदे ने बहुत ज़्यादा अपने दुखड़े सुने, अगर आपने उन दुखने सुनने हैं तो नीचे पढ़ो भाई, सुनाई तो दे रहा है आपको जैपनीज में, अगर आपको जैपनीज आती है तो नो डाउट आपको सब समझ आएगा, पर अगर नहीं आ रही है तो आपके लिए यहाँ पे हमने सबटाइटल्स का प्रबंध किया है, जो मैंने नहीं किया है बेसिकली, गेम ने किया है, पर हाँ सबटाइटल्स का प्रबंध मैंने बिल्कुल किया है, सॉरी गेम ने बिल्कुल किया है। ध्यान से देखिए इसको ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ये आपके कहीं काम नहीं आएगा, न आपको भी पेपर में काम आएगा, बस इतना लग जाएगा आपको पता कि भाई ये बंदे आपको क्यों मार रहे हैं बाहर वाले, और ये बंदे कर क्या रहे। समझा के आप, जितना आप पियेंगे उतना आपको ज्यादा प्यास लगेगी। तो मैंने इससे सारी चीज़ें पूछ ली धीरे धीरे, और इसने बताया कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं पता है, और यहाँ पे आसपास जो बंदे हैं अचानक से चेंज होना स्टार्ट कर दिया, और नदी के पानी को जितना आप पियेंगे वहाँ आपको और प्यास लगेगी, और पियेंगे आप एक तरीके से कंट्रोल में आ जाएंगे किसी के, तो बंदे चेंज होने लग गए थे अचानक से। रुक जाओ हो गया खत्म, हो गया बस 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 हो गया। पता नहीं मैंने ये क्यों डाला है, पर मैंने सोचा कि शायद आपके काम आए दोस्तों। अब हाँ मोटा देखो भाई, ये बंदे हम मार रहे हैं सबको, ये बंदे हमें भी मार रहे हैं, पर मैं भी नहीं मार रहा हूँ बेसिकली। मैं इधर वो कर रहा था अपनी एक्सपी माइन कर रहा था इस तरीके से, तो एक्सपी को बनाने के लिए धीरे धीरे एक ही जगह पे 8-10 बंदे मार दो तो आपको एक्सपी मिल जाएगी। तो हमने एक लेवल अपना कर लिया है, और जब हम आगे गए तो हमें ये आंटी मिली। भाई ये बंदी अलग ही लेवल पे ऑब्सेस्ड है भाई, इसको बंदा चाहिए मॉन्क जो है इसमें आगे आएगा एक, और वो बोलती है कि भाई मुझे उस तक ले चलो, और बोलती है कि मेरे को उनका कोई पता नहीं बता रहा है बेसिकली, और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया उन्होंने भी, तू मुझे ले चल, अगर नहीं तो मुझे बता दे कि कहाँ है वो, तो मैं अगर यहाँ पे चॉइसेस देती है कि तुम मुझे ले जाओ नहीं, तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ है, या फिर ऑप्शन है कि भाई तुम चुप बैठो। तो अब इसको तो पता नहीं है, तो ये बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, तो ये बंदी बोलती है कि
यू आर अ लायर, तुम झूठ बोल रहे, मुझे पता है तुम्हें पता है। तो ये मारना स्टार्ट कर देते भाई। साइकोपैथ है ये, लिटरली साइकोपैथ है भाई ये। और भाई पोस्चर डैमेज ऐसा गंदा कर रही है ना ये भाई, जीने दे रही है भाई, इसे बचना कैसे। और जब मैं इसे मारना चाहता हूँ तो ये वो बन जाती है, मिस टाइप बन जाती है या फिर टेलीपोर्ट हो जाती है और जगह। भाई बहुत अजीब है ये विलन, बहुत ही ज़्यादा अजीब। और मेरे को मैक्सिमम जो बॉडीज़ हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोग, उनसे मुश्किल लग रही है देख के। तो मैं आगे निकल गया इसको छोड़ के, आगे भी देखते भाई आगे क्या है। एक बार तो इसने मार दिया है। तो जब आगे बढ़ा मैं, साइड में और एनिमीज थे पर मैं डायरेक्टली इस छेद होके गया, तो यहाँ पे मुझे पता नहीं था क्या है आगे। पर तो आगे हमारी मुलाकात हुई भाई करप्टेड मॉन्क, मेरे हिसाब से इसी मॉन्क की बात चली थी आगे, क्योंकि भाई ये क्रेजी बंदा है भाई। ये भी ऐसा लग रहा है कि ये उस टाइप का बंदा है, इल्यूजन टाइप चीज़ है इसकी कुछ, क्योंकि ये देख के तो वो लग रहा है। पर भाई जिस हिसाब से इसने डैमेज किया उस हिसाब से लग रहा था पता कि ये, मैं इसे नहीं मार पाऊँगा। तो मैं कर रहा था ट्राई, कभी इसको मारने की कोशिश कर रहा था, तो कभी वो बाहर वाली वो आंटी को, आंटी नहीं यार, साइकोपैथ को मारने की कोशिश कर रहा था मैं। तो मैं जब आगे बढ़ रहा था तो भाई अगर आपने इसको स्किप किया ना, इससे बात किए बिना, तो ये पीछे से भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है कि भाई मैंने मेरे को देखा नहीं, मैं डायरेक्टली भी नहीं आ सकता था आगे। तब मैंने ट्राई किया कि भाई इसको ही मार देते हैं पहले। तो दो तीन ट्राई के बाद थोड़े थोड़े जुगाड़ करने के बाद किसी तरीके से इसको मारना स्टार्ट किया हमने। भाई बहुत खजल करती है और पीछा करती है यार ये, देखना नॉर्मल बॉस अपने एरिया से बाहर नहीं आते, ये पीछा करती है भाई। और यहाँ पे गलती से ये फंस गई पता नहीं कैसे, पर हाँ मैं साइड साइड में आ रहा था और ये अटैक कर पा रही थी, पर मैं किसी तरीके से इसको मार पा रहा था इस टाइम। और ये मिस्ट नहीं बन रही थी जैसे पीछे बन रही थी अचानक से उठ के, क्योंकि ये पत्थर में फंस रही थी आई थिंक। तो मैंने भाई इतना अच्छा मौका तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो डायरेक्टली आपको स्किप करते हैं। और हम जब लास्ट में पहुँचे भाई, बहुत ही मज़ेदार इसका पोस्चर डैमेज होने वाला है और इसकी हेल्थ भी ख़त्म होने वाली है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में हो रही है। तो अब पता नहीं इसको हेल्थ ख़त्म होके किल के लिए आया कि इसका पोस्चर डैमेज होके, पर इसने प्रेयर बीट तो दे दी भाई मेरे को। और मज़ा आया भाई देख के कि भाई ये बॉस बहुत गंदी थी भाई, बहुत ही गंदी। ये जो ओरिन नाम भी वैसा है ना, ओरिन ऑफ द बॉट, ये नाम तो भाई बहुत ही खजल है ही है। साथ में भाई ओरिन क्या होता है यार, एक रीन थी जिसने ग्रेट निंजा बोर करा दी भाई, और एक ये रीन है जो तंग कर रही है, जिन्हें भी दे रही है। तो मैंने ओरिन को तो मार दिया, तो मैं उसे करप्टेड मॉन्क क्या ही है मेरे सामने। तो मैंने थोड़े पूरे जुगाड़ करने स्टार्ट किया और स्नैपसीड वगैरह से इतना लग गया था कि ये इल्यूजन है तो स्नैपसीड से इसको डैमेज होगा। तो ये भाई डैमेज हो रहा था, काफ़ी डैमेज हो रहा था, पर एक लिमिटेड टाइम के लिए कि भाई जब इसकी हेल्थ आधी होगी तो उसके बाद नहीं हो रहा इसको डैमेज। तो मैंने भाई ट्राई मारा वहाँ पे, दो तीन चीज़ें ट्राई मारी, पर ये बंदा नहीं मान रहा भाई, ये बंदा नहीं मान रहा। बेसिकली मैं आगे बढ़ गया और जो जो चीज़ें मैं सोच रहा था कि भाई अपग्रेड करनी है, तो मैं और पर चला गया ख़रीदने। पर जब मैं इधर आया तो एक जो हमने लास्ट दो तीन एपिसोड पहले एक मर्चेंट को हमने यहाँ पे बाय करने के लिए छोड़ा था, वही मर्चेंट नया आया था, वो बंदा गायब हो गया। तो मैंने दो तीन चीज़ों को बाय किया और मेरे को प्रेयर वीड्स वगैरह जो भी मिल सकती मैंने लिया और मैंने हेल्थ बढ़ा दी। तो ऐसा करते हैं अगले एपिसोडों में आगे भी एक्सप्लोर करेंगे जैसे इस एपिसोड में किया, तो कुछ न्यू बॉसेस से मिलेंगे। बाकी मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।